हम नाम ले लेंगे स्टार हो जाएगा वो, आपको पता है कि नहीं? हम किसी का नाम क्यों ले भाई, हम क्यों नाम ले? खेसारी एक शब्द कुछ बोलता है ना तो उसके लिए कम से कम 20 लाख रुपए लेता है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर जन्म में मुझे खेसारी ही बना के भेजो ताकि मैं दुनिया के दिल पर राज करता रहूँ। कहाँ जाएगा अभी तो मेरे पास करने आता है, इसीलिए तो मुझे परेशान कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी ना रही तो हमारा गाड़ी में धागा के मारी। और मैं देखता हूँ कि कब तक गरीबी को परेशान किया जाता है, अमीरी पे कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है, जितने भी गरीब लोग हैं उन्हीं पे हो रहा है। ट्रेंडिंग में बा वैसे भी रहो, नाम ग्लोबल स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, बहुत सारा नाम रहो मिल गिल बता का हम गाना होते। देखिए हम साधारण एक भोजपुरी के बेटा हैं, हम ग्लोबल स्टार हैं कि ट्रेंडिंग स्टार हैं कि हिट मशीन हैं कि का हैं, ये मायने नहीं के रखत। दुनिया में आपके काम से अगर दुनिया आपको नाम देती है ना, सबसे बड़ी जीत वही होती है। और मैंने कोशिश की है अपना बेहतर काम करने के लिए। एक भैंस चराने वाला आदमी, एक लीटी बेचने वाला आदमी आज कई नामों से जाना जाता है। मुझे लगता है कि आज मेरा मेहनत और लोगों का प्यार ही है कि मेरे ओरिजिनल नाम से आज तक मुझे कोई जानता नहीं है। लोगों ने मुझे नाम दिया, वो मेरे काम के बदौलत आज उसी से पूरी दुनिया मुझे जानती है। और मुझे पता नहीं क्या नाम है, जैसे एक ईश्वर का लोग नाम करते हैं, कोई ईश्वर है, अल्लाह है, ये है, वो है, तो मैं लोगों का एक बेटा हूँ और इन लोगों ने अपने मन में एक भगवान की तरह मेरी मूर्ति बना दी। इससे ज़्यादा मेरे लिए सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर जन्म में मुझे खेसारी ही बना के भेजो ताकि मैं दुनिया के दिल पर राज करता रहूँ। भैया पहले बंगलिनिया उसके बाद बोंदू, बंगाल के लोग आपको कैसे लगते हैं? हर जिला के, हर स्टेट के लोग, हर शहर के लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि लोग बुरे थोड़ी होते हैं, माहौल बुरा होता है तो लोग बुरे नहीं होते हैं। और मैं आज जीवन में कहीं ना कहीं लोगों के बदौलत हूँ, चाहे वो किस भाषा से हैं, नई भाषा है, वो मुझे मायने नहीं रखता। मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को अपने लोगों के साथ रखने की, एक दूसरे को जोड़ के रखने की। मैं थोड़ा सा, मैं एक फैमिलियर वाला माहौल हमेशा हर आदमी के साथ होता है मेरा, मैं घुल मिल जाता हूँ, चाहे वो जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसके साथ भी मेरा बिहेवियर उसी तरह होता है जिस तरह अपने फैमिली के साथ। भैया आपके कितने गानों पर लगभग स्ट्राइक आ चुका है? अभी आया कहाँ है, अभी तक कम से कम 400 गाने पे स्ट्राइक आने वाला है। जहाँ नहीं आ रहा है वहाँ आप लोग प्यार दीजिए, कोशिश ये है, देखते हैं कि मेरे मेहनत को कब तक कोई दबाता है, बाद में देखा जाएगा। अभी तो मेरे पास करने आता है, इसीलिए तो मुझे परेशान कर रहे हैं। हमारे पास गाड़ी ना रही तो हमारा गाड़ी में धागा के मारी। भैया कहते हैं कि आपको डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लाइव में आकर के किसी का नाम नहीं ले पाते हैं, क्यों? हम नाम ले लेंगे स्टार हो जाएगा वो, आपको पता है कि नहीं? हम किसी का नाम क्यों ले भाई, हम क्यों नाम ले? खेसारी एक शब्द कुछ बोलता है ना तो उसके लिए कम से कम 20 लाख रुपए लेता है। हम किसी ब्रांड का नाम लेते हैं, बोलते हैं ना तो हम 20 लाख रुपए लेते हैं, चार्ज करते हैं, और वही कहीं गरीब में दान करते हैं, किसी का पढ़ाई में देते हैं, किसी के बच्चे का एडमिशन कराते हैं, किसी बहन का शादी कराते हैं। तो बात वहाँ नहीं, हम क्यों नाम ले भाई किसी का? वो इतना बड़ा आदमी थोड़ी है जो उसका हम नाम लेके उसको बड़ा कर दे, नहीं ऐसा नहीं है। हमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है, तो जब दुनिया जानती है तो हमें लेने की क्या ज़रूरत है? और मैं देखता हूँ कि कब तक गरीबी को परेशान किया जाता है, अमीरी पे कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा है, जितने भी गरीब लोग हैं उन्हीं पे हो रहा है, तो ठीक है, वो भी देखा है, वो भी एक मेरा सफ़र है, वो कट जाएगा। सबका जन्मदिन आता है, आप सबके जन्मदिन पर सबको विश करते हैं, लेकिन जब आपका आता है तो बहुत लोग वो चीज़ें नहीं डाल पाते, आपके पोस्ट को नहीं डालते। ऐसा थोड़ी है जो जन्मदिन मेरा आता है कोई विश नहीं करता है तो हम हैप्पी बर्थडे में नहीं रहते हैं। मेरे लिए जनता मेरी सबसे बड़ी खुशना, आपको पता ही नहीं है कितने लोगों को वीडियो जितना हैप्पी बर्थडे का नहीं जाता होगा ना, उतना ये बच्चे मेरे लिए केक काट देते हैं। तो वो चीज़ें मेरे लिए मायने रखता है कि मैं इनके दिल में कितना ज़्यादा राज करता हूँ। कौन क्या कहता है ये सब छोड़ दीजिए, सब लोग मेरे अपने ही हैं। अब ठीक है वो मुझे अपना नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ ना, तो मैं जो मानता हूँ वो मायने रखता है, वो मानते हैं वो मायने नहीं रखता है। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़िएगा, चुनाव 300 सांसद हमारी तरफ से, तो क्या 2024 में खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ते हुए? आई एम सिंगर, आई एम एक्टर, प्लीज नो कमेंट्स। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने भाषा के लिए लड़ना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। क्या चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने, नीतीश कुमार पीएम बने, आपकी क्या सोच है? हम चाहते हैं कि सब लोग सीएम बन जाए, जितने लोग हैं सब लोग सीएम बन जाए। हमको क्या दिक्कत है जब हमको बिहार में हमको कोई अथी नहीं मिलता है, आप देख ही रहे हैं ना। प्रधानमंत्री बन जाए, आए नहीं, हम प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, हम लोगों के प्यार पालें वही मेरे लिए बहुत है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चाचा नीतीश जी से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बड़े भाई तेजस्वी जी से, कि प्लीज़ आप लोग एक फिल्म सिटी बनाइए। और कहीं ना कहीं आज सारे प्लान हो रहे हैं भोजपुरी के, जितने भी बिहार के लोग हैं कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड चेंज करा कर यूपी में जा रहे हैं,
मुझे भी लगता है कि 2-4-6 महीने में मुझे भी कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर का कहीं ना कहीं रिकवरी के लिए मुझ लोग को मेहनत करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ अपने चाचा जी से भी, अपने बड़े भाई से भी, कि प्लीज़ आप लोग फिल्म सिटी से लेकर और सब्सिडी का और हॉलों का व्यवस्था करिए, ताकि आपके कलाकार आपके गोद में खेले। एक आखिरी सवाल, क्या नीतीश जी मोदी जी को 2024 में टक्कर देते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये तो जनता का विषय है, मेरा विषय नहीं है। मेरे से संगीत के बारे में पूछेगा तो मैं बेहतर बता पाऊंगा।